नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और विपुल क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 विस्टास सेकंड बुक से, क्लास 12th की लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो यहाँ पर आप मम्मी को देख करके कोई हॉलीवुड की मूवी की मम्मी के बारे में मत सोचने लग जाना, ये कुछ अलग है जो हमारे राइटर जॉन अपडाइक लिखते हैं। तो जिन राइटर ने, जॉन अपडाइक ने ये स्टोरी मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया है और आप सभी को इस स्टोरी को पढ़ने का मौका मिला है, तो आइए उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं, राइटर्स कॉर्नर में देखते हैं। तो देखिए, राइटर के बारे में कुछ जानना जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जॉन अपडाइक हमारे अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और उनका जो जन्म हुआ था वो 18 मार्च 1932 को हुआ था। पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 जनवरी 2009 में हुई थी। और इनको वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अवार्ड माना जाता है वो पुलिट्जर प्राइज़ इनको मिला था, और उनकी फिक्शन के लिए उन्हें मिला था। तो देखिए, बहुत ही सुंदर स्टोरी वो देते हैं। आइए अपनी लेसन की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर टाइटल लिखा है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसका मतलब है कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। तो यहाँ पर विजार्ड जो है जादूगर के लिए यूज़ किया गया है, और ये मम्मी जो है हमारी, जो घर में मम्मी हमें डांटती है, धमकाती है, जल्दी उठ जाओ बेटा, स्कूल टाइम हो गया, ऐसा ना करो वैसा ना करो, वो वाली मम्मी है हमारी। तो शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। तो ये हमारा टाइटल है स्टोरी का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये जो है आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल बने रहिएगा स्टार्टिंग से अंत तक। तो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो एक कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक नॉर्मल फादर से शुरुआत होती है, जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया में भी नॉर्मल फादर होते हैं, नॉर्मल पिता होते हैं, कि अपने परिवार के लिए मेहनत मशक्क़त करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को हरे थके घर आते हैं, और दिन भर जो है अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, और दिन भर अपने परिवार के प्रोग्रेस के लिए ही वो काम करते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक ऑर्डिनरी फादर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिनका नाम था मिस्टर जैक। अब मिस्टर जैक जो हैं, उनकी वाइफ है, उनका नाम है क्लेयर, और उनकी माताजी भी उनके साथ रहती हैं। माताजी नीचे की तरफ कमरे में रहती हैं, और क्लेयर जो है वो बराबर में दूसरा रूम है क्लेयर का। और जो हमारे मिस्टर जैक हैं, इनका जो रूम है वो ऊपर की तरफ है, यानी अपस्टेयर से जाना पड़ता है, ऊपर की तरफ उनका रूम है। और उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र जो है अब 4 वर्ष है। उनकी बेटी का नाम जो है जो, शॉर्ट में उसे जो बुलाते हैं, लेकिन पूरा नाम उसका जोआन है। तो जो जो है एक ऐसी आदत जो की ऐसी पक गई है, जो हम सबकी भी रही होगी, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देखते हैं कि हर एक बच्चा जो है अपने बड़ों से कहानी सुनता है। भाई, मैंने भी अपने बड़ों से कहानी सुनी है, आप लोगों ने भी जरूर किसी ना किसी से कहानी सुनी होगी। अपनी मम्मी से आपने कहानी सुनी होगी, पापा से सुनी होगी, दादा से सुनी होगी, दादी से सुनी होगी, अंकल से सुनी होगी, कहीं से कुछ भी, मतलब स्टोरी जो है वो एक इंडियन ट्रेडिशन है, बन चुकी है। तो मतलब लगातार जो है बड़े लोग हमें कहानियाँ सुनाते रहे हैं और सुनाते रहेंगे। तो बिल्कुल सेम यही थीम जो है यहाँ पर जाती है। तो मिस्टर जैक जो है वो अपनी बेटी जो को हर रोज कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो इंसिस्ट करती है, बहुत ही आग्रह करती है, बहुत जिद करती है कहानी के लिए, क्योंकि उसे कहानी के बिना नींद नहीं आती, उसकी आदत जो है पक चुकी है, हर शाम को उसको कहानी चाहिए, बिना कहानी के उसे नींद नहीं आती है। और ये कहानी सुनने का जो सिलसिला उसका स्टार्ट हुआ था जो का, जब उसकी उम्र केवल 2.5 वर्ष थी, तब से वो कहानी सुनना शुरू कर चुकी थी। तो मिस्टर जैक की ये एक समस्या थी कि भाई मिस्टर जैक हर रोज नई कहानी अपनी बेटी के लिए कहाँ से सुनाए, क्योंकि देखो हर आदमी का एक स्टोरेज होता है माइंड का, किसी पे 10 कहानी आती हैं, किसी पे 15 आती है, किसी पे 20 आती होंगी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसने सारी की सारी कहानी जो है वो सुना दी हो, तो वो एक नई कहानी कहाँ से लाए। तो दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर जैक, वो इस समस्या थी मिस्टर जैक की, कि हर रोज एक नई कहानी अपनी बेटी के लिए कहाँ से सुनाए।
जबकि उसकी बेटी को नींद नहीं आती बिना कहानी सुने हुए। तो अब क्या करते हैं मिस्टर जैक, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, यानी अपनी बेटी के मूड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मनगढ़ंत कहानी सुनानी स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपनी इमेजिनरी जो कुछ भी उनके माइंड में आता है वो अब अपनी बेटी को सुनाते हैं, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा, क्या कर सकते हैं। तो हर रोज यही काम है उनका। अब एक दिन क्या होता है कि वो अपने ऑफिस से थके हारे घर पे आते हैं, और वो उस दिन सोच रहे हैं कि वो मतलब उन्हें कहानी ना सुनानी पड़े अपनी बेटी जो को, और वो चुपके से अपने रूम में जाकर के रेस्ट करें, आराम करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जब वो घर में एंटर करते हैं, तो घर में जब वो एंटर करते हैं तो बहुत दबे पैरों से एंटर कर रहे हैं, और वो एंटर कर लेते हैं, और फिर वो सोचते हैं, थोड़ा उन्होंने विश्राम किया, फिर वो अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करना चाहते हैं कि भाई घर के काम में कुछ हेल्प कर दें, जैसा कि हमारे यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलता आता है कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ की मदद करते रहते हैं, करनी भी चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग मिस्टर जैक जो है अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करना चाहते हैं, और वो जाते हैं, वो अप स्टेयर से जा रहे थे, तो अचानक से क्या होता है कि उनकी बेटी जो पीछे से आती है और उनकी पैंट को पकड़ लेती है बीच रास्ते में ही। तो इसीलिए कहते हैं कि मिस्टर जैक वॉज कॉट समवेयर इन द मिडिल, यानी मिस्टर जैक को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया था। अब तो भैया मिस्टर जैक को जो को कहानी सुनानी पड़ेगी, तो अब जो है वो अपनी बेटी जो को लेकर के अपने रूम में पहुंच जाते हैं, और वहां पर आज जो वो उसे एक कहानी सुनाते हैं वो एक आपका पूरा लेसन बन जाती है। तो आइए उस स्टोरी को सुनेंगे, इससे पहले आप स्टोरी की भावनाओं में, फीलिंग्स में पूरी तरह से खो जाएं, इससे पहले एक लाइक कर दीजिए भैया, अदरवाइज तो आप भूल जाएंगे लाइक करना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। तो एक बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो स्टोरी अब मिस्टर जैक सुनाते हैं अपनी बेटी जो को। तो अब वो सुनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर रोज का काम है स्टोरी सुनाना। तो जो नैरेटिंग स्टाइल है मिस्टर जैक का वो बहुत विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका था, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि हर रोज कोई अगर किसी काम को करता है तो कार्य की दक्षता आ ही जाती है, यानी आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि आदमी को एक परफेक्ट आदमी बना देती है प्रैक्टिस। तो ऐसे ही जब नैरेटिंग स्टाइल है मिस्टर जैक का, जब हर रोज अपनी बेटी जो को कहानी सुनाते हैं, तो वो जो उनका नैरेटिंग स्टाइल है वो बदल चुका है पूरी तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से वो कहानी को सुनाते हैं, पूरे एक्सप्रेशन के साथ सुनाते हैं, जहाँ पर कोई मतलब कोई फेस एक्टिविटी होती है तो वो अपने फेस की एक्टिविटी को भी दिखाते हैं, चेहरे की एक्टिविटी यानी एक्सप्रेशन को भी बदलते हैं, और बहुत ही अच्छे से नैरेट करना सीख चुके हैं, यानी उसका जो नैरेटिंग स्टाइल है वो डेवलप हो चुका था। तो अब वो कहानी सुनाते हैं, आइए। तो वो कहानी सुनाते हैं जंगल के एक क्रिएचर की कहानी सुनाते हैं, एक जंगल के प्राणी की कहानी सुनाते हैं, जंगली जानवर की कहानी सुनाते हैं। उसका नाम था रोजर स्कंक। स्कंक भैया एक जाति, मतलब बिज्जू की एक जाति है, बिज्जू को कहते हैं। तो रोजर बिज्जू था एक, यानी रोजर स्कंक नाम का एक जानवर का बच्चा, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? उसकी समस्या ये थी कि उसके शरीर के अंदर से दुर्गंध उठती थी, बैड स्मेल जो है, बुरी दुर्गंध, उसके दुर्गंध आती थी, तो जिस वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ में खेल नहीं पाता था। तो इस वजह से वो पूरे जंगल में भैया अकेला हो गया, कोई उसके साथ खेलता नहीं, कोई उसके पास तक नहीं आता था खेलने की, तो दूर की बात रही, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से दुर्गंध उठती थी, तो उस दुर्गंध को दूसरे बच्चे जो है सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए यही कारण था कि वो बच्चे उससे दूर भाग जाते थे। तो इस समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और एक दिन वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ रो रहा था अपनी किस्मत पर कि भगवान ने मुझे ये ऐसी किस्मत दी है, मुझे ये दुर्गंध दी है, जिससे कि मैं दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाता, जिस तरह से दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैं उनके पास जाता हूँ वो भाग जाते हैं दुर्गंध की वजह से। तो बहुत परेशान था वो, अपनी किस्मत को वहाँ पर रो रहा था खड़ा हुआ,
और उसी पेड़ के ऊपर एक ओल्ड वाइज आउल रहता था, यानी एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू जिसको कहा गया है वो उस पेड़ के ऊपर रहता था। और उसने जब बच्चे को रोते हुए देखा, वो अपनी किस्मत पर रो रहा था, तब उसने उल्लू ने उससे पूछा कि बेटे क्या समस्या है, क्यों रो रहे हो? तो तब वो रोजर स्कंक उनसे अपनी समस्या बताता है। तो तब वो जो बुद्धिमान उल्लू है वो उसे अपनी उसकी समस्या का समाधान उसे बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी दुर्गंध से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है, अगर आप मेरे एक फ्रेंड जादूगर के पास चले जाओ और मेरा रेफरेंस दो, जाकर के वहाँ पर बताओ कि तुम्हें मैंने भेजा है, और आप उसे अपनी समस्या बताएंगे तो वो आपकी समस्या से आपको निजात दिला देगा अपने जादू से। तो जब ये रोजर स्कंक ने सुना कि उसकी समस्या का भी कोई हल हो सकता है, तो ही बीकेम ओवरवेल्ड, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और अपनी मम्मी को बिना बताए हुए वो रवाना हो जाता है उस जादूगर के पास जाने के लिए। और वो भैया तरह तरह की जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी रास्ते में, उन सबको पार करता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि जब किसी को मंजिल पानी होती है तो वो रास्ते की कठिनाइयों को देखता नहीं है, तो बहुत दूर निकल जाता है। जहाँ पर एड्रेस बताया गया था वाइल्ड आउल के द्वारा, वहीं पर वो पहुँच जाता है, क्योंकि आउल ने उसे बताया था कि एक हरे भरे घास का मैदान आएगा, उस हरे भरे घास के मैदान में एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर वो जादूगर रहता है। उस जादूगर की पहचान भी बताई गई थी कि उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है सफ़ेद रंग की, वो उसके घुटनों तक पहुँचती है, ये उसकी पहचान है। तो भैया वो जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँच जाता है रोजर स्कंक, और हरे भरे घास के मैदान में जब वो पहुंचा तो उसके सामने जो है एक हट थी, एक झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी को देख करके वो बहुत खुश होता है। और थोड़ी देर, क्योंकि थका हुआ है पूरी तरह से, वो उल्टा लेट करके जो है रेस्ट करता है, और जब उसके शरीर में इतनी जान आ जाती है कि वो अब चल सकता था, तो वो दौड़ करके हट के पास जाता है, जादूगर की जो झोपड़ी है वो उसके दरवाजे को खटखटाता है, और उसके अंदर से जो जादूगर है वो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसे बदबू आती है, वो झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है कि बहुत ओ रही कि भाई ये क्या भाई इतनी बुरी बदबू। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाता है रोजर स्कंक, वो फिर जादूगर अंदर से फिर से अपना गेट खोलता है, फिर वही प्रॉब्लम है। अब इस बार रोजर स्कंक जो है बोल देता है कि मैं वुडलैंड से आया हूँ, और वुडलैंड से मेरा नाम रोजर स्कंक है, और मुझे ओल्ड वाइज आउल ने भेजा है जो आपके फ्रेंड हैं, और मेरी समस्या ये है, जिस समस्या की वजह से आप बार बार गेट बंद कर रहे हैं दुर्गंध की वजह से, वही मेरी समस्या है कि इस वजह से मैं पूरे जंगल में अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई भी खेलता नहीं है, मेरे पास कोई नहीं लगता है, और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, मेरा जीवन निरस्ता से भर गया है, तो यही मेरी समस्या है, कृपया आप मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाएं। तो अब जादूगर जान चुका था ये सारी चीज़ें, और जादूगर ने अपनी छड़ी को उठाई और गोल गोल घुमा करके उसके ऊपर जादू फेंकने से पहले उससे पूछा था कि बेटा बताओ तुम्हें कौन सी खुशबू पसंद है। तो तब रोजर स्कंक ने बताया था कि मुझे गुलाबों की महक बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस। तो तब उसने जो है अपना जादू की छड़ी उठाई उसने विजार्ड ने, और गोल गोल घुमा करके उसके ऊपर जादू फेंका। He casted the magic upon the Roger Skunk. अब Roger Skunk के ऊपर जब जादू फेंका गया तो अब जादू से उसकी जो दुर्गंध थी वो गायब हो चुकी थी एक सेकेंड से पहले, और वो जो उसका बॉडी था वो पूरी तरह से गुलाबों की खुशबू से महक उठा। और जब उसने देखा कि भाई तुम्हारे अंदर से बहुत बेहतरीन सुगंध आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, गुलाबों की महक आ रही है, तो वो बहुत खुश होता है। ही बिकेम वंस अगेन ओवरवेल्ड, और वो जादूगर को धन्यवाद देकर के वापस दौड़ पड़ता है अपने वुडलैंड की तरफ, अपने जंगल की तरफ वापस आ जाता है। और भैया जंगल में वापस आ गया, और जो जंगल के बच्चे उससे दूर भागा करते थे उसकी दुर्गंध की वजह से, आज वो सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब उसके पास आ रहे हैं, सब उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसकी खुशबू जो है सबको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है उसके साथ खेलने लगे। और वो भी उस समय रोजर स्कंक बहुत खुश हुआ आज उसकी जो तमन्ना थी वर्षों की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, आज बहुत मज़े से वो खेल रहा था। कब
जो है देर शाम हो गई, पता भी नहीं चला। तो देर शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, सभी बच्चे वन बाय वन एक एक करके अपने अपने घरों में अपनी अपनी मॉम के पास जा रहे हैं। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया और उसे भी अपनी मॉम के पास जाना था, अपनी मम्मी के पास जाना था। तो वो भी जब वहाँ पर अकेला हो गया, अंधेरा हो गया है, तो वो भी अब अपने घर जाता है अपनी मम्मी के पास। और जैसे ही वो घर में एंट्री लेता है, घुसता है, तो उसकी जो गुलाबों की महक है वो मम्मी को भी आती है। मम्मी ने उससे कहा, कौन है तू? रोजर स्कैग ने कहा, मॉम आई एम योर सन, कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। मम्मी कह रहे, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे भाई के अंदर से दुर्गंध आती है, मेरे अंदर से दुर्गंध आती है, तुम्हारे पापा के अंदर से दुर्गंध आती है, पूरी प्रजाति के अंदर से दुर्गंध आती है, तो तुम खुशबू वाले मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? तो देर वॉज अ ब्लो ऑन द माइंड ऑफ रोजर स्कैंक। बहुत एकदम से दिमाग में झटका लगा। तब उसे पता चला कि उसकी जो दुर्गंध थी वो उसके लिए कितनी हाउ प्रीशियस, कितनी कीमती थी उसके लिए। जब मतलब किसी कोई बेटे को माँ पहचानने से इनकार कर दे तो उसकी स्थिति देखना कैसी होगी। तो भैया अब उसको पता चल गया कि भाई उसकी जो दुर्गंध है वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मम्मी ने उसका कान पकड़ा रोजर स्कंक का और अपना छाता उठाया और वापस से उसे चलने के लिए कहा, कि क्योंकि उसे वो जानती थी मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से जानती थी कि ये तुम्हारी करतूत है, तुम्हारे कहने पर ही उसने जो है तुम्हारी दुर्गंध को बदला होगा जादूगर ने। तो वो जादूगर के पास उसे लाती है और अब वो रोजर स्कंक जो है अपनी मम्मी को लेकर के, रोजर स्कंक अपनी मम्मी को लेकर के आ जाता है जादूगर के पास। अब जादूगर उस समय धूप सेक रहा था, बाहर बैठा हुआ था, और मम्मी ने कुछ भी नहीं पूछा और जाते ही सीधा एकदम से अपना अम्ब्रेला ले रही थी और जाते ही उसके सिर पे मारा धड़ाम। और एकदम से जादूगर जो है भाई, और वो समझ गया, वो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं उसे, वो से एकदम से समझ गया कि व्हाट द मॉम वांट, क्या चाहती है मम्मी। वो एकदम से जादू की छड़ी उठाता है और गोल गोल घुमा करके तुरंत से एकदम से रोजर स्कंक के ऊपर जादू फेंकता है और फिर वापस से उसकी दुर्गंध को वापस दे देता है और गुलाबों की महक गायब। और जैसे ही उसके शरीर में दुर्गंध उठी, मम्मी ने उसको गले से लगा लिया। ओ भाई गॉड, मतलब जैसे ही मम्मी ने उसे गले से लगाया तो तब समझ में आया कि वास्तव में उसकी जो दुर्गंध है वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रेम करती है मम्मी उसको, दुर्गंध वापस आ जाती है और फिर वो वापस से उसे अपने घर पे ले आती है। और यहाँ पर बच्चों जो है कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो स्टोरी जॉन ऑफ डाइक हमें दे करके गए हैं, वो क्या कहानी दे करके गए हैं, यानी इसका जो थीम है वो आप देखिए। सबसे पहली थीम आती है कि हमें कभी भी नेचुरल प्राकृतिक चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यानी रोजर स्कंक की जो बैड स्मेल है वो नेचुरल है, भगवान के द्वारा दी गई है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि असमंजस की स्थिति आती है कि एक बच्चे को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए या अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा थीम दिखाया गया है कि भाई मम्मी चाहती है कि उसकी दुर्गंध वापस लगातार जारी रहे, और वो जो रोजर स्कंक है वो चाहता है कि उसके उसका शरीर जो है, उसका बॉडी जो है वो गुलाबों की तरह महकता रहे। तो इस तरह से ये कहानी सुनाई थी किसने, मिस्टर जैक ने अपनी बेटी जो को कहानी सुनाई थी। लेकिन जो जो है इस कहानी के एंड पर खुश नहीं थी, वो इस कहानी के एंड से बिल्कुल खुश नहीं। वो कहानी का एंड जो है अपने अकॉर्डिंग चाहती थी। वो चाहती थी कि रोजर स्कंक की जो जो मतलब गुलाबों की महक है वो लगातार यूं ही चलती रहती, और मम्मी को जादूगर को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि जादूगर के पास तो जादू होता है, तो इसलिए वो चाहती है कि मतलब चाहती थी कि जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था, न कि मम्मी को जादूगर को मारना चाहिए था। और रोजर स्कंक की जो गुलाबों की महक है वो लगातार जारी रहनी चाहिए थी, वो चाहती थी इस तरह से कहानी का अंत हो। लेकिन उसके डैडी ने, जैक ने कहानी का अंत ऐसे किया था, तो इसलिए वो कहानी के अंत के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी होगी। यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना। और यदि आपने फ्लेमिंगो के लेसन भी नहीं देखे हैं,
फ्लेमिंगो के हर एक लेसन को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा पूरा राइटिंग सेक्शन भी आपको सीक्वेंस में मिलेगा, वो भी आप जाकर के देखिएगा। और इसके अलावा ग्रामर की वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ।